आइए दोस्तों अगले सवाल पे चले। ए सम ऑफ रुपीज 3000 अमाउंट्स टू रुपीज 6000 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स 9000, 12000, 6000, 3000। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो हम आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बता रखा है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आती है, ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब अमाउंट डबल हो रहा है और टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, तो सेम टाइम पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है, तो सेम टाइम पीरियड पे ये अमाउंट डबल होती जाएगी। अब ये 6000 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2 ईयर्स में, और वो क्या हो जाएगा, वो भी 2 ईयर्स में डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते भी चलेंगे और करते भी चलते हैं। तो 2 ईयर्स में क्या है, एक क्वेश्चन दिया है कि 6000 हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए बात कि अगले 2 ईयर्स में ये अमाउंट क्या हो जानी है, 12000। ठीक है, ये हमेशा डबल होगा अमाउंट, हमेशा आप ध्यान रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेम चल रहा है तो अब ये क्या है, अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक, तो 12000 आ गया। अभी हमारा पहले साल का इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, पहले 2 ईयर्स का, पहले 2 ईयर्स का क्या है, 3000, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट बताना है 4 ईयर्स। हमारे पास टोटल टाइम पीरियड तो आ गया 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, अब इंटरेस्ट बताना है। इस 2 सालों में 3000 का इसको इंटरेस्ट मिला, अब इन 2 सालों में कितने का मिला, 6000। तो आप देख सकते हैं एक कॉमन रिलेशन कि आपका इंटरेस्ट भी डबल हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि अगले 2 सालों में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2000 और मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12000। तो उसी तरीके से आपका ये क्या है, इंटरेस्ट भी जो डबल होते जाएगा, 6000 12000 हो जाएगा, 12000 क्या है, 24000। ठीक है, इंटरेस्ट भी आपका सेम टाइम पीरियड पर क्या है, डबल होते जाएगा। आपका अमाउंट डबल हो रहा है, इंटरेस्ट भी डबल होते जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 6000 प्लस 3000, 9000, ऑप्शन ए। ठीक है, एक ये मेथड है आपका करने का। एक दूसरा मेथड क्या, फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से रेट ऑफ़ इंटरेस्ट 2 ईयर्स का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं कि कितनी बढ़ाई हुई है, जैसे आप निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट 3000 अपॉन 3000, कितना हो गया आपका इंक्रीज़, कितना क्या हो रहा है, 3000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो 3000 अपॉन 3000 × 100, तो कितना हुआ, 100% आपका इंक्रीज हुआ, है ना, 100% आपका बढ़ गया। तो आपका ये क्या है कि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 100%। तो आप इसको 100%, एक वो भी तरीका है इसको करने का, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए 2 ईयर्स का, और उसको हर 2 साल के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि 100% का एक साल का 50% 50% कर दिए, वैसा नहीं होगा। ठीक है, 2 ईयर्स का 100% रेट ऑफ़ इंटरेस्ट आया आपका, तो हमेशा ध्यान रखना। तो 2 ईयर्स आपका टाइम पीरियड के लिए आप सेम रेट लगा सकते हैं, 100% इंक्रीज। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये मेथड समझ में आया। आप अगले मेथड पे देखिए फॉर्मूले से कैसे किया है। फॉर्मूला है अमाउंट पी 1 + r/100 to the power of t। अमाउंट हमें 6000 दिया हुआ है फाइनल अमाउंट, और इनिशियल प्रिंसिपल क्या है, 3000। रेट बताया नहीं है, टाइम पीरियड टी है, 2 है। ठीक है, 2 ईयर्स। इससे हम पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, 1 + r/100 to the power of 2। 3000 इस तरफ जाके डिवाइड करेंगे आप इसको, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हमारा 3000 है, अमाउंट हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड क्या बोल रहा है, 4 ईयर्स का। ठीक है, 4 ईयर्स की बात कर रहा है। अभी हमें बताना है 4 ईयर में अमाउंट कितना मिलेगा, वो पता करना है हमें। तो यहाँ पर हमें 1 + r/100 to the power of 2 की वैल्यू पता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 the power of 2 में। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, आपको पता होगा एक्सपोनेंट का रूल। तो 1 + r/100 to the power of 2 को आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वलेंट टू 4 ही होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है 1 + r/100 to the power of 2, तो आप सीधा से 2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो यहाँ पे आपको बच गया 2, और ये स्क्वायर बचेगा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या हो गया, 4 × 3000 12000। तो आपका अमाउंट आ गया 12000, प्रिंसिपल है हमारा 3000, फाइनल अमाउंट कितना आ गया, CI हमारा 9000। ठीक है, टोटल हमारा 4 ईयर्स में अमाउंट कितना आ गया, इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स 9000 आ गया, ऑप्शन ए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।